कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो सुना है कि नहीं आप लोगों ने, रियलमी GT2 और GT2 Pro, GT का सक्सेसर होगा जो कि 35-36,000 पे इंडिया में लॉन्च हुआ है ना, वो वही वाला, उसी का सक्सेसर कल ये लॉन्च होने वाला है, इंडिया में नहीं ग्लोबली जाएगा, जो कि पहले ही सू की चेज जो कि उनके CEO हैं चाइना के, उन्होंने बताया है वीवो पे पोस्ट करके कि 20 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है ग्लोबली। 20 तारीख तो कल ही है। चलिए, इसमें दो फोन होने वाले हैं, रियलमी GT2 और GT2 Pro, उन्होंने सीरीज लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली दो स्मार्टफोन है। इसके रेंडर्स बहुत पहले लीक हो गए थे, काफी यूनिक स्मार्टफोन दिख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप जो है वो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ नया ट्राई किया, चलिए अच्छा है। एंड ये इंडिया में भी आएगा एंड जल्दी, कहा जा रहा है कि Q1 of 2022 जो है ना उसमें आने वाला है ये। कैसे पता चला? इंडिया का जो रियलमी का वेबसाइट है ना उसके ऊपर भी ये लिस्ट हो गया है, दोनों स्मार्टफोन लिस्ट हो गए हैं, एंड जिसे पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं। अब GT आया था तो GT2 तो आएगा ही आएगा, GT2 Pro जो होगा ना ये अल्ट्रा फ्लैगशिप होने वाला है, पहला कोई स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से जो अल्ट्रा फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को आपको मिलेगा। क्या चीजें मिलने वाली हैं, अभी तक तो लीक्स एंड रूमर्स ही हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं दोनों स्मार्टफोन में आपको क्या मिलने वाला है, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कितनी पसंद है, साथ में बताते जाएंगे। 6.8 इंच का GT2 Pro में रहेगा और 6.4 इंच का GT में रहेगा। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन ये फुल HD प्लस का नहीं होगा, ये WQHD+ का होगा, जो कि तगड़ी बात है। एंड रियर साइड पे तो यूनिक डिजाइन दिख रहा है आपको, वो हॉरिजॉन्टल सा कैमरा, ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, देखने में अच्छा लगता है, एंड पंच होल के साथ आएगा और भी अच्छा लगेगा। चलिए अच्छी चीज है, यानी ओवरऑल डिजाइन की बात करोगे ना तो काफी यूनिक लगने वाला है इस बार पीस। रियर साइड पे आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, बाकी पूरा अलग अलग कलर्स रहेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। चिपसेट की बात करोगे तो GT2 Pro की बात करोगे तो उसमें वो Gen 1 वाला है ना, Snapdragon 8 Gen 1, वो वाला चिपसेट आने वाला है जो कि 4nm पे बेस्ड है, जबकि GT2 की बात करोगे तो इसमें Snapdragon 888+ का चिपसेट आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं, चलिए अच्छी चीज है। इसके बाद बात करोगे बाकी सारी चीजों की तो ऑक्टाकोर के दोनों चिपसेट हैं, 5nm और 4nm पे बेस्ड है तो बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी मिल जाती है, एंड Adreno 660 और Adreno 730 के ऊपर बेस्ड है, दोनों में अल्टीमेट गेमिंग कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। दोनों एंड्रॉइड 12 के ऊपर आने वाले हैं, एंड दोनों आपको रियलमी UI 3.0 के ऊपर देखने को मिलेंगे, मतलब चाहे ग्लोबली जाए चाहे इंडिया में आए, जब भी आएंगे ये दोनों एंड्रॉइड 12 के ऊपर ही आने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। स्कोर की बात करोगे तो Snapdragon 888+ जो है 8.5 लाख तक जाता है, एंड Snapdragon 8 Gen 1 वाला जो है वो तो 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है, 10 लाख का स्कोर। अच्छे परफॉर्मेंस है, तगड़े मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा परफॉर्मेंस के सेगमेंट में। कैमरा की बात करोगे तो रियर साइड पे GT2 Pro जो है वो 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा के सेटअप आएगा, मतलब 250 मेगापिक्सल के सोनी वाले सेंसर्स होंगे जो कि तगड़े होंगे। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, रियर साइड पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा, एंड इसके साथ साथ 50-50 मेगापिक्सल के दो सेंसर रहेंगे फ्रंट वाले सेमने का 32। इसके बाद जाओगे अगर आप रियलमी GT2 में तो उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा रहेगा रियर साइड पे, 64+13+5 मेगापिक्सल का फ्रंट में, उसमें भी 32 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा। रियर से 4K फ्रंट वाले से 1080 वाले कर पाओगे, बूके पैनोरमा HDR सब कर लेंगे। आई विश कि इस बार कैमरा अच्छा दें, अच्छे तरह ऑप्टिमाइज करें रियलमी वाले, जो कि अक्सर होता नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब कैमराज भी डिसेंट आने वाले हैं, दोनों में 5000mAh की बैटरी रहेगी, दोनों में 65W का चार्जर रहेगा, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, एंड बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। सेंसर्स की बात करोगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सब मिल जाएगा। 3.5mm जैक नहीं रहेगा याद रखना, और कार्ड स्लॉट एक्सपांडेबल नहीं रहेगा, दोनों 8GB 128GB से कहे जा रहे हैं चालू होंगे। प्राइसिंग GT2 की बात करोगे तो 40,000 के आसपास से चालू होगा, एंड GT2 Pro जो है ये 50,000 के ऊपर इंडिया में जाएगा, बाहर किस प्राइस में आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्राइस इंडिया में GT2 Pro की 50,000 से अबव होगी, यानी अल्ट्रा फ्लैगशिप होने वाला है। लेट्स सी, देख लेते हैं कल लॉन्च होने वाला है ग्लोबली, एंड कहा जा रहा है Q1 जो होगा 2022 का उसमें ये इंडिया में भी आएगा। वेट करोगे कि नहीं इसका जरूर बता देना, कैसा लगा स्मार्टफोन आपको, देखने में तो काफी यूनिक लग रहा है, अब देखते हैं कल लॉन्च के टाइम पे परफॉर्मेंस कैसा होता है, ग्लोबल लॉन्च कल ही है उसका, एंड जैसे आएगा वैसे आपको बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियोस इन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक्ट है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।